तो गाइस यार आज से ठीक 1.5 साल पहले हमने फेविक्विक यानी कि सुपर ग्लू के साथ में एक बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने सिंपली फेविक्विक यानी कि सुपर ग्लू को बोरेक्स मिले हुए पानी के अंदर डाल के देखा और ऐसा करने के बाद जो हुआ वो यकीनन देखने लायक था। सच में उस वीडियो के अंदर मजा आ गया। तो गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट फिर से ट्राई करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है डेटॉल। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सिंपली फेविक्विक को डेटॉल के अंदर डाल के देखेंगे और फिर देखते हैं कि किस तरह की रिएक्शन हमारे सामने आती है। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम फटाफट से इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास है ये कांच का बीकर, ये साइंटिफिकली प्रूफ है ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट्स के लिए। साथ ही साथ हमारे पास है यहाँ पर ये बड़ी वाली फेविक्विक और साथ ही साथ काफ़ी सारा डेटॉल। तो गाइस सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस बीकर के अंदर डेटॉल डालते हैं। ओप्स, बहुत ज़्यादा टाइट है यार। ऑलराइट गाइस, इसके अंदर हम डाल देते हैं सबसे पहले डेटॉल। राइट, आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा और अब इसके अंदर डाल के देखते हैं फेविक्विक और फिर देखते हैं कि क्या होता है। आई थिंक मेरे हाथ ऑयली है, खोलना यार इसे। जल्दी खोलो, फास्ट। ऑयली हाथ होते हैं तो चीज़ें खुलती नहीं है ढंग से। बाकी आप देख सकते हैं कि डेटॉल जो है भाई, इसकी स्मेल बहुत प्यारी लगती है मुझे यार। ऑलराइट, तो ये खुल चुकी है हमारी फेविक्विक और अब देखते हैं कि क्या होता है। ऑलराइट गाइस, कुछ भी करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप ऐसा कुछ भी कहीं पे भी ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप बस देखिए और सीखिए। 1, 2, 3। वो ये क्या हो गया, उत्तीरी। ऑलराइट गाइस, पता नहीं आप सुन पा रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन मैं क्लियरली सुन रहा हूँ, इसके अंदर से आवाज़ आ रही है कट 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 कट। एक और फेविक्विक डाल देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो जो सारी फेविक्विक है वो डेटॉल के पैंदे में जाके जमा हो चुकी है और जम चुकी है। एक और डालते हैं। वो ऑलराइट गाइस, आप ऊपर से देख सकते हैं कि इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा भाप निकल रही है और हमारी फेविक्विक ने एक अलग ही तरह का रूप धारण कर लिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फेविक्विक है हमारे इस बीकर के अंदर जम चुकी है। ओ माय गॉड। ऑलराइट गाइस, एक और फेविक्विक डाल के देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। बाकी आप देख सकते हैं कि जो बीकर है वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। यहाँ पर जो रिएक्शन हुई वो एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा हीट बाहर निकली और हमारी जितनी भी फेविक्विक थी वो काफ़ी अजीब की तरीके से इसके अंदर जम चुकी है। ऑलराइट गाइस, एक और फेविक्विक डाल देते हैं इसके अंदर। ओ बीकर मत पड़ जा, बीकर मत पड़ जाना, बीकर मत पड़ जाना। ओ माय गॉड, उत्तीरी पटाके बोल रही इसके अंदर से, तो क्या बात है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि ये होता है जब हम फेविक्विक को डेटॉल के अंदर डालते हैं। हमारी जो फेविक्विक है वो जम चुकी है, इधर से देखो। ओ तेरी जम गया है, देखो इधर से देखो। और गाइस क्लोजअप देखो यार, इसका क्लोज से देखो तब आपको पता पड़ेगा कि यार अंदर से ये किस तरीके की दिखाई दे रही है। ऑलराइट गाइस, इस चीज़ को बाहर निकाल के देखते हैं कि ये जो भी बना है, मुझे नहीं पता कि क्या बना है। ओप्स, हल्की हल्की आंखों में जलन हो रही है, थोड़ा सा डेटॉल और डाल देते हैं इसके ऊपर। मैं बंद में ही डाल रहा हूँ। ओहो, यही होता है जब आपके सामने अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है जिसका आपको पता नहीं होता है और वो चीज़ें एकदम से आपके सामने हो जाती है। देखो जैसे ही मैंने इसके ऊपर डेटॉल डाला, देखो देखो वो। ऑलराइट गाइस, अब क्या करते हैं, इस बीकर को फोड़ के देखते हैं और फोड़ के देखते हैं कि अंदर क्या हुआ है या फिर अंदर जो चीज़ बनी है वो किस तरीके की दिखाई देती है। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर ये पेचकस है, इसे इसके अंदर डालते हैं। उत्तीरी जा रही बाहर आ गया।
राइट गाइस, तो यार ये चीज चिपकी नहीं है। ओह भाई साहब, मैंने सोचा था कि जो बीकर है वो फेविक्विक से बुरी तरीके से चिपक जाएगा या फिर इसे छुड़ाना इम्पॉसिबल होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमारे सामने तो एक बहुत ही अलग ही कमाल की चीज निकल के सामने आई। देखो वाह, ये क्या है यार, और ये अभी तक भी थोड़ा थोड़ा गर्म है और फेविक्विक ने अब चिपकना बंद कर दिया है। देखो यहाँ पे काफी सारी एयर पॉकेट्स बन गई है, नीचे से देखो कुछ इस तरीके का है और इसके अंदर अभी भी आवाज आ रही है हल्की हल्की सी, जैसे कि पकौड़े भून रहे हो। ओ तेरी, डेटॉल गर्म हो चुका है, हल्का हल्का गर्म हो गया है। और बाकी देखो, अगर मैं इसे तोड़ के देखूँ तो मैं इसे तोड़ भी पा रहा हूँ। ये रही पहली फेविक्विक, ये रही दूसरी वाली की लेयर, और ये रही सबसे आखिर में तीसरी वाली। देखो वाह। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि ये होता है जब हम डेटॉल के अंदर फेविक्विक को मिक्स करते हैं। गाइस अगर इसके पीछे के रीज़न की बात करें तो देखो, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। फेविक्विक जिस तरीके से काम करती है, तो वो एक तरीके से आप उसे प्लास्टिक समझ सकते हैं कि कुछ देर बाद में जब वो हवा के संपर्क में आती है तो वो एकदम से दोनों चीज़ों को ज्वाइंट करती है और प्लास्टिक बन जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वही सेम रिएक्शन काफ़ी तेज़ी से हुई, बहुत तेज़ी से, इसीलिए सारी फेविक्विक एकदम से इस तरीके से जम गई। साथ ही साथ बहुत तेज़ी से होने की वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा हीट भी जनरेट हुई और शुरुआत के अंदर आपने देखा कि उसके अंदर से भाप भी निकली। वाओ, तो गाइस यार काफ़ी सिंपल सी थी, लेकिन काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। देखो दोनों ही काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं और दोनों को जब मिलाया तो हमारे सामने एक बहुत ही कमाल की रिएक्शन निकल के सामने आई और कुछ इस तरह का काफ़ी अजीब सा पदार्थ हमें देखने को मिला। ऑलराइट गाइस, तो यार कभी कभी दिमाग के अंदर कीड़े आते हैं, सवाल आते हैं कि ये करके देखें वो करके देखें, और जब ट्राई करते हैं तब यकीनन मज़ा आ जाता है। लेकिन आप ट्राई मत करना, मैंने कर लिया है ना, आपने देख लिया, आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइस यार, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वो कैसा बन गया यार, देखो देखो एक बार, वो देखो, वाह, खा जाऊँ क्या?